अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद दुनी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज की मेरी रेसिपी है अंडा पराठा की। बहुत ही यूनिक और स्पेशल तरीके से मैंने इसको रेडी किया है। बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्सेस में भी आप उनको दे सकते हैं। तो इसके लिए जी, सबसे पहले मुझे यहाँ पर चाहिए 2 आटे के पेड़े, नॉर्मल जो हम घर में आटा गूंथते हैं। ये है जी ग्रीन अनियन, हरा प्याज, स्प्रिंग अनियन और 4 अंडे, ठीक है जी, फ्रेश हरा धनिया और नमक और कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है जी। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। सबसे पहले मैंने इन डो बॉल्स की 2 रोटियां बेल ली हैं कुछ इस तरीके से। कोशिश कीजिएगा कि साइज़ इनका जो है वो सेम हो। और साथ ही जी, मैंने यहाँ पर तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। अब एक रोटी जो है वो मैं तवे के ऊपर डाल दूंगी। और इस पे हल्की सी, अगर तो आपको अंदाज़ा हो तो ठीक है, लेकिन इस तरीके से आप इसको 4 पोर्शंस में डिवाइड कर दीजिएगा। जो बच्चे बहुत शौक़ से अंडा पराठा नहीं खाते, उनको इस तरह डिफरेंट तरीके से बना कर दें, बहुत उनको अच्छा लगेगा। तो इन 4 पोर्शंस में हम थोड़ा सा जो है ये हरे प्याज का हरा वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा थोड़ा ऐड कर देंगे, और साथ ही थोड़ा थोड़ा हरा धनिया। इस तरीके से 4 पोर्शंस में हम इसको डिवाइड कर देंगे। और अब इन 4 पोर्शंस में हम 1 by 1 करके अंडे डालते जाएंगे, ठीक है जी। अगर आपको सुबह स्कूल के टाइम बहुत जल्दी हो, बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी करना है, तो आप एक टाइम में 4 इस तरीके से अंडे बना सकते हैं और बच्चों को सैंडविच के तौर पर भी लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही यमी बनकर ये रेडी हुआ था। तो ये देखें जी, 4 अंडों को हमने अच्छे से पराठे पे डाल दिया है। और अब हम इस पे ऐड करेंगे नमक, जितना भी आपको पसंद हो। कोशिश कीजिएगा कि जर्दी पे थोड़ा नमक ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा, ताकि आपको एक अच्छा टेस्ट आए, क्योंकि नीचे भी रोटी है और इसके ऊपर भी रोटी होगी। तो थोड़ा सा नमक जो है आपको नॉर्मल अंडे की बजाय ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। और थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड कर दें। आप चाहें तो आप यहाँ पर ग्रीन चिलीज भी ऐड कर सकती हैं, ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकती हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है जी। अब 4 अंडों को ऐड कर देने के बाद हम यहाँ पर ऊपर वाली दूसरी रोटी जो है वो उसके ऊपर ऐड कर देंगे। ये देखें जी, ठीक है जी। थोड़ा सा आपने बड़े नरम हाथ के साथ ये रोटी ऐड करनी है, और हाथों की हेल्प से आपने इसको चारों तरफ से स्क्योर कर लेना है। ऐसे आप रोटी को प्रेस करते जाएंगे और पूरी कंप्लीट इसकी जो है वो सील हो जाएगी ये सारा पराठा। ये देखें जी, इस तरीके से आपने, एक तो ये इक्वल हो जाएगा और बहुत अच्छे से सील भी हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं जी इसमें ऐड कर दूँगी ऑयल, ठीक है जी। साइड पे हम ऑयल ऐड करेंगे, ताकि नीचे वाली रोटी जो है वो अच्छे से उस पर कलर भी आ जाए और कुक होना शुरू हो जाए। जब ऊपर वाली रोटी का कलर चेंज होना शुरू होगा, तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे, क्योंकि जैसे ही ऊपर से रोटी का कलर चेंज होगा, तो अंडे जो हैं इसमें थोड़े से स्टेबल हो जाएंगे, यानी कि वो अपनी जगह से बिखरेंगे नहीं, ठीक है जी। अब इस तरीके से स्पून की और हाथों की हेल्प से हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये लें जी, ठीक है जी। और अब हम अगेन ऑयल ऐड करेंगे, और इसको थोड़ा सा हम जो है इसकी एक साइड को थोड़ा कुक कर लेंगे, ताकि इसी स्टीम में जो है वो अंडे अच्छे से हमारे कुक हो जाएं। तो अब इसकी साइड चेंज करते हुए हम इसको तब तक कुक करेंगे जब तक के दोनों साइड से पराठा जो है वो अच्छे से पक ना जाए। तो यहाँ पर जी पराठा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे, और इस तरीके से मैं इसकी चारों तरफ से कटिंग कर लूँगी बिल्कुल सैंडविच शेप में। तो जी ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा हमारा अंडा पराठा यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। मैं यहाँ पर आपको इसके साइड्स भी दिखा देती हूँ, थोड़ा सा खोल के भी दिखा देती हूँ, कि देखें कितने अच्छे से ये अंडा बनकर रेडी हुआ है। और अब मैं अपनी किचन की सीज़र से, कुकिंग सीज़र की हेल्प से आपको मज़ीद इसको काट के दिखाऊंगी कि कितना यमी लग रहा था।
तो उम्मीद करती हूँ जी कि आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें और साथ में ही बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं जी एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।